राबेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत एट नाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, हर सच के अंदर भी एक सच छिपा हुआ होता है और पत्रकार होने के नाते हमारा काम होता है कि हम उस सच को ढूंढकर बाहर लाएं और उस सच से आपका सामना कराएं। क्योंकि दर्शकों, कई दफा ऐसा होता है कि मामलों में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष फैक्ट्स के साथ सामने आता है, एक पक्ष तथ्य के साथ सामने आता है, एक पक्ष फाइलों के साथ सामने आता है और दूसरा पक्ष इमोशंस का होता है। दूसरा पक्ष वो होता है जो आपके सीधा दिमाग पर, दिल पर बात करता है। दोनों सचों के बीच में कौन सा असली सच है और कौन सा झूठ है, इसी चीज का फर्क बताने का काम कौन करता है? इसी चीज का फर्क बताने का काम करती है मीडिया। और दर्शकों, राबिया सैफी के मामले में लगातार हर किसी का अपना अपना वर्जन था, हर किसी के अपनी अपनी बातें थी, हर किसी के सामने बहुत सारे सबूत, हर कोई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रख रहा था। लेकिन जो लोग बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, वो लोग एक सवाल कर रहे थे कि अगर ए आदमी कोई बात कह रहा है तो उसकी बात क्यों ना मानी जाए जब बी आदमी उसके अगेंस्ट में वो बात कह रहा है। तो दोनों चीजों को समझाने का काम करना बहुत जरूरी था, दोनों चीजों को आम जनता के सामने रखना बहुत जरूरी था। क्योंकि मैं चाहता तो मुद्दे को और लंबा खींचकर अगर टीआरपी का ड्रामा ही करना होता, जैसा कि कुछ लोग कहने की कोशिश भी कर रहे थे, तो मुद्दे को खींचता, लेकिन नहीं। आज ये इस कड़ी का आखिरी कार्यक्रम है और दर्शकों, आज आपके सामने वो सच रखने जा रहा हूं। आज आपके सामने राबिया सैफी मामले का पूरा सच आपके सामने रख दिया जाएगा। राबिया सैफी मामले में जो कुछ उस रात हुआ, जो जो लोग इसमें शामिल थे, जो जो लोग कैरेक्टर्स के साथ थे, सब कुछ आपके सामने ज्यों का त्यों। दर्शकों, समस्या यह है कि कई दफा हम लोग भावनाओं के साथ रहते हैं, समस्या यह है कि कई दफा हम लोग सिर्फ तथ्यों के साथ रहते हैं। कुछ पत्रकारों ने एक काम किया, उन्होंने सिर्फ तथ्यों की सुनी। कुछ पत्रकारों ने एक काम किया, उन्होंने सिर्फ भावनाओं को सुना। कुछ पत्रकारों ने एक काम किया जो राबिया सैफी के घर तक पहुंचे, कुछ पत्रकारों ने यह काम किया वो सिर्फ सूरजगंज कोतवाली पहुंचे। लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। जैसा कि न्यूज वन इंडिया का कहना है कि ना पक्ष ना विपक्ष, हम पूरा सच आपको दिखाएंगे। सच की भी परतें होती हैं, सच की भी लेयर्स होती हैं। तो सिर्फ एक लेयर पर काम नहीं करना है, सिर्फ एक परत पर काम नहीं करना है, हम हर सच को आपके सामने लाकर रखेंगे, हर सच आपको दिखाएंगे। और इसीलिए आज एक बार फिर इस कार्यक्रम के जरिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम आज आपके सामने एक बहुत बड़ा सच आपके सामने परोसने वाले हैं। आज हम बहुत लोगों के सामने वो चीजें लाने वाले हैं कि आखिर क्या है। बहुत से लोग इस विपदा में हैं, बहुत से लोग जो कि सोच रहे हैं कि आखिर सच क्या है। और आज 18 दिन हो चुके हैं तो आखिर सच कब सामने आएगा, क्योंकि पुलिस ने तो कह दिया कि यह है, गिरफ्तार हो चुका है। अब घर वाले कह रहे हैं नहीं। अब हालांकि वो लोग भी कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले कहा था कि मेहरा है, मेहरा है, मेहरा है। उन्होंने कहा कि नहीं, डीएम इन्वॉल्व है, डीएम इन्वॉल्व है, डीएम इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा नहीं, डीएम ऑफिस के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस ने कहा नहीं, जो इन्वॉल्व है वो सामने आकर गिरफ्तारी दे चुका है, गिरफ्तार हो चुका है। पहले घर वालों ने कहा कि वो जो गिरफ्तार किया गया है उसको रिमांड पर भेजो, उसको पहले जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया और उसके बाद जेसी, जिसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, पहले वहां पर भेजा गया, उसके बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया। तो ठीक है, इसके बाद उनके घर वालों ने पहले कहा था कि ये इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है। बाद में उनके घर वाले भी शांत पड़ गए।
दर्शकों, आज इस पूरी घटना को लेकर मेरी टीम ने जो काम किया है उसके लिए मुझे अपनी टीम पर गर्व है। भारत एट नाइन की टीम ने इस प्रोग्राम को लगातार जिस तरीके से दस्तावेज सामने रखे, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स निकाले, जिस तरीके से छिपे हुई चीजें दर्शकों बाहर निकाल के लेकर आए, जिस तरीके से पूरी भारत एट नाइन की टीम ने संगम विहार, राबिया सैफी के घर जाकर एक एक कड़ी जुटाने का काम किया, हमने पड़ोसियों से बात की, दोस्तों से बात की, दूर दराज के जो लोग थे उनसे बात की, उस इलाके के लोगों से बात की, जिस रास्ते से राबिया सैफी डीएम ऑफिस तक जाती थी दफ्तर, एक एक जगह के लोगों से हमने बात की। इसके साथ ही दर्शकों सूरजकुंड कोतवाली जाकर हमने वहां भी बात की, जिस जगह पर यह पूरी घटना हुई थी वहां के लोगों से बात की, और आखिर में आज हमने इस कार्यक्रम को, इस महाअभियान को आखिरी शक्ल दी। बहुत जल्द एक छोटे से पैकेज के बाद मैं आपके सामने आऊंगा, 2-3-4 मिनट के बाद आपके सामने आकर मैं इस कहानी का 26 तारीख की सुबह से लेकर आज तक क्या कुछ रहा है वो सब आपके सामने खोल कर रखूंगा। उससे पहले आप ये पैकेज देखिए। आज से 18 दिन पहले 26 अगस्त की उस रात जब राबिया सैफी हत्या करी थी दरिंदों ने, उस रात से लेकर आज तक लगातार पूरे देश में घटना को लेकर उबाल है। और इसको लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम भारत एट नाइन में लगातार इस मुद्दे को उठाया गया और इस मुद्दे पर बात की गई। इसके साथ ही इसको महाअभियान की शक्ल दी गई और इस महाअभियान में परत दर परत खोली गई। इसके हर एक पहलू को जांचा गया, परखा गया। इसमें हर व्यक्ति से, हर स्तर से जुड़े, इस घटना से जुड़े हर व्यक्ति से सवाल किए गए। ऐसे में उनके परिजनों से, ऐसे में उनके अड़ोसी पड़ोसियों से, ऐसे में पुलिस के अधिकारियों से और इसके साथ घटना से जुड़े तार वाले लोगों से भी बातचीत की गई। इसमें हर दोस्त, मुख्य किरदार, हर किसी को परखा गया, जांचा गया और उसके पीछे टीम ने कई दस्तावेज जुटाए और काम भी किया। इसको लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम भारत एट नाइन की टीम ने दिन रात जी तोड़ मेहनत की और इसके बाद हर कार्यक्रम में एक नया खुलासा भी किया। इस महाअभियान का एक ही मकसद था कि सच को सामने लाया जाए, सच को बिल्कुल भी दबने ना दिया जाए, सच को कुचलने ना दिया जाए। हर पहलू को परखा गया, हर पहलू को जांचा गया। इसके साथ ही ना पक्ष की बात की गई, ना ही विपक्ष की बात की गई, ना ही अधिकारियों की पूरी तरह से बात को सच माना गया, ना ही उस बेबस मृतका से जुड़े लोगों की बातों को भी पूरी तरह से सच मान लिया गया। क्योंकि सच वो है जो कहीं ना कहीं दफन है और उस दफन सच को निकालने का काम भारत एट नाइन लगातार और हमेशा करता रहा है। तो ऐसे में राबिया सैफी के इस मुद्दे पर भी भारत एट नाइन की टीम ने लगातार हर दस्तावेज को जांचा, परखा, हर उस कहानी को सुना, हर उस जुबान को सुना जिसने इस केस से जुड़ी बातों को सामने रखा। आज भारत एट नाइन में एक बार आखिर में हम लोग एक बात कहने जा रहे हैं कि सच हमेशा सामने आना चाहिए। सच तथ्यों से निकलकर सामने आता है, सच सिर्फ भावनाओं के जरिए दबाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में वो सच जो असल में सच है उसको आज सामने लेकर आने का काम किया है भारत एट नाइन की टीम ने। आज भारत एट नाइन के इस महाअभियान में जिसमें हमने वादा किया था कि राबिया सैफी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, उसमें आज हम आखिरी कड़ी तक पहुंच चुके हैं और इस आखिरी कड़ी में हर वो कहानी को A to Z आपके सामने रखने का काम करेंगे। इस कहानी को आखिर अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज हम उस केस से जुड़े आखिर दफ्तर भी पहुंच गए, उस आखिरी जगह भी पहुंच गए जहां तक अभी भी कोई नहीं पहुंच पाया। और उस आखिरी जगह पर जाकर जो कुछ था हमने वो सुना, जांचा और अब हम आपके सामने हैं।
तो ये डीएम ऑफिस लाजपत नगर है, जहां पर आके अभी हम लोगों ने डीएम साहब से बातचीत की और बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी जो है वो हमारे हाथ लगी है, बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे हाथ लगी है, और पूरी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन को इस पैकेज के जरिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये मेरे पीछे डीएम ऑफिस है, जहां से जस्ट मैं अभी बिल्कुल अभी ये वक्त हो रहा है 3:40, इस वक्त मैं डीएम ऑफिस से बाहर निकला हूं और डीएम साहब से A to Z इस केस को लेकर एक एक सवाल का एक एक जवाब फ्रेंकली पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है और इसमें क्या कुछ है वो हम आपको बताएंगे। तो जिस सच की बात हो रही थी, जिस एक्सक्लूसिव जानकारी की बात हो रही थी और जो कुछ हम आपके सामने लाकर रख देना चाहते थे, वो सब कुछ एक एक करके आपको बताएंगे, वो सब कुछ एक एक करके आपके सामने रखेंगे। राबिया सैफी से जो लोग जुड़े हैं, राबिया सैफी के हुए नृशंस हत्याकांड को जो लोग आवाज दे रहे थे और जो लोग चाहते थे कि इसका जल्द से जल्द खुलासा हो, जो लोग सच और झूठ के बीच का जो बड़ा फर्क है उसको नहीं समझ पा रहे थे, उनके लिए आज का कार्यक्रम पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में एक एक परत हटाई जाएगी, एक एक लेयर हटाई जाएगी और भारत एट नाइन के इस आखिरी पड़ाव में हम पूरे सच को आपके सामने रखेंगे। उस सच को जो सच कहीं दबा हुआ था, उस सच को आज निकाल कर बाहर रखा जाएगा और इस महाअभियान को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस महाअभियान के आखिरी एपिसोड में आज आपके सामने वो सच सीधे तौर पर रखा जाएगा जो असल में सच है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इतने लंबे वक्त तक हमने किस तरीके से तमाम चीज़ों पर काम किया, हमने जिस दिन से ये मुद्दा हाथ में लिया था उस दिन से हम लगातार, हम भी कई दफ़ा रास्ता भटके, हम भी कई दफ़ा चीज़ों को निकालने में हमें लगा कि ठीक है अब सच हमारे हाथ में आ गया, लेकिन नहीं, सच बहुत अंदर छिपा था। इसके लिए हम लगातार हर पक्ष को सुनते रहे, हमने पुलिस का पक्ष सुना, हमने घर वालों का पक्ष सुना, हमने पड़ोस के लोगों का पक्ष सुना, हमने दोस्तों का पक्ष सुना, हमने राबिया के साथ जो लोग काम करते थे उनका पक्ष सुना और सब को लेकर आज मैं आपके सामने बैठा हूं। आज मैं आपको पूरी फाइंडिंग्स, पूरी रिपोर्ट के बारे में बहुत ही इत्मीनान के साथ समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको सिर्फ इमोशंस के साथ आपके खेलने का काम करूं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे देश में अगर ऐसा हुआ है तो फिर अभी तक सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया, अभी तक कानून ने काम क्यों नहीं किया, अभी तक जो कल्प्रिट्स हैं वो कहां हैं। आज दर्शकों मैं एक एक रिपोर्ट लेकर आपके सामने बैठा हूं और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा काम ना तो किसी को बचाना, मेरा काम ना तो किसी को फंसाना है। दर्शकों हम ना तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को डराते हैं, सच को सामने रखना मेरा काम। तो जो कुछ हमारी पूरी टीम ने बहुत से लोगों से, सैकड़ों लोगों से बात करके जो कुछ निकाला है वो आज मैं आपको बताता हूं। दर्शकों सबसे पहले तो कहानी की शुरुआत बताता हूं कि हुई कहां से। दर्शकों जून के महीने में जून 2021, इस डेट को मोहम्मद निजामुद्दीन नाम का एक शख्स है जो कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर, इसको बोलते हैं CDV, इसको ज्वाइन करता है और इस सिविल डिफेंस वॉलंटियर की जो पोस्टिंग होती है वो होती है डीएम ऑफिस लाजपत नगर के अंडर में काम करने वाली 46 टुकड़ियां बनाई गई थी कोरोना काल के दौरान लोगों को वहां पर कंटेन करने के लिए, जो कोरोना फैल रहा था बहुत तेजी से उसको कंटेन करने के लिए शिक्षक और बाकी तमाम जो सरकारी बाबू थे जो रिटायर हो चुके थे उन सब को लेकर 46 टीम्स बनाई गई डीएम ऑफिस लाजपत नगर के द्वारा। उन 46 टीम में से एक टीम के अंडर काम कर रहा था
मोहम्मद निजामुद्दीन, जून 2021 को इस व्यक्ति ने ज्वाइन किया था। ठीक, इसके बाद दर्शकों मोहम्मद निजामुद्दीन जुलाई 2021 को राबिया सैफी को वहां पर लेकर आया, उसी ने वहां पर लोगों से मिलवाया, उसी ने ही ज्वाइनिंग करवाई डीएम ऑफिस लाजपत नगर की 46 टीम्स जो बनाई गई थी उसके अंडर। अब दर्शकों एक नाम है जो बार बार सामने आ रहा है, उसका नाम है रविंद्र मेहरा। रविंद्र मेहरा जो है वो व्यक्ति उन्हीं 46 टीम में से एक शख्स था, 46 में से एक व्यक्ति था जो टीम को लीड कर रहा था। उस रविंद्र मेहरा की टीम के अंडर में अपॉइंट किया गया था राबिया सैफी। ठीक है दर्शकों, इसके बाद आपको बता दूं उसी 46 टीम्स की यूनिट्स में एक टीम थी जो राशन बांटने का काम करती थी और उसमें अपॉइंट था निजामुद्दीन। राबिया सैफी रविंद्र मेहरा के अंडर में जो थी वो अपॉइंट थी चालान काटने वाली प्रक्रिया में। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे उनका 2000 का चालान कट रहा था और उस प्रक्रिया में शामिल थी राबिया सैफी। तो रविंद्र मेहरा उस टीम को लीड कर रहे थे जो चालान काटती थी दिल्ली में, उस इलाके में सरिता विहार में और कालिंदी कुंज के आसपास के जो एरियाज थे, कालका जी यहां पर, तो यहां पर चालान काटने की व्यवस्था को जो टीम संभाल रही थी उसको लीड कर रहे थे रविंद्र मेहरा। किसके अंडर में? डीएम ऑफिस लाजपत नगर के अंडर में। और इनके अंडर में काम कर रही थी एज एन असिस्टेंट राबिया सैफी। निजामुद्दीन जो उनको लेकर आए थे वो राशन वितरण वाली टीम में शामिल, यहां तक क्लियर दर्शकों। निजामुद्दीन जिन्होंने अगले दिन ही जाकर गिरफ्तारी दी थी, मोहम्मद निजामुद्दीन उनका पूरा नाम है, उस व्यक्ति को राबिया सैफी के घर वाले पहले से जानते थे क्योंकि निजामुद्दीन का राबिया सैफी के घर पर आना जाना था और राबिया सैफी को ही निजामुद्दीन लेकर आया था और डीएम ऑफिस में उसकी ज्वाइनिंग कराई थी जुलाई महीने में। यहां तक क्लियर हो गया दर्शकों। इसके बाद आगे बताता हूं दर्शकों, हुआ यूं कि इसके बाद वहां के बहुत से लोगों को, उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन बहुत से लोगों का जो लोग राबिया सैफी के साथ काम करते थे उन्होंने साफ साफ बताया है कि राबिया सैफी और मोहम्मद निजामुद्दीन के बीच में संबंध थे, वो लोग रिलेशनशिप में थे। वहां पर आए, उन्होंने काम किया, काम करते करते उनकी जब यूनिट्स अलग अलग हो गई, टीम्स अलग अलग थी, वो राशन वितरण का काम कर रहा था मोहम्मद निजामुद्दीन और राबिया सैफी चालान काटने की प्रक्रिया में शामिल थी। इसके बाद ऐसा हुआ, कुछ ऐसा सिस्टम बनता गया कि मोहम्मद निजामुद्दीन को एक पल में आकर यह लगता गया कि राबिया सैफी उनसे दूर हो रही हैं और उनका जो लगाव है वो कहीं ना कहीं रविंद्र मेहरा के साथ बढ़ता चला जा रहा है। उनकी जो नजदीकियां हैं वो रविंद्र मेहरा के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। इसी को लेकर बीते लंबे समय से निजामुद्दीन और राबिया सैफी के बीच में झगड़ा चल रहा था, उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। डीएम ऑफिस के उनके साथ काम करने वाले कॉलीग्स जिन्होंने किसी डर की वजह से सामने आने से मना कर दिया, लेकिन वो लोग फुल इनोसेंस के साथ उन्होंने एक बात कही कि राबिया शाम को जब दफ्तर से छूटती थी तो निजामुद्दीन के साथ जाती थी, वो उन्हें घर छोड़ता हुआ जाता था। उस रात भी यही हुआ, उस रात भी 26 अगस्त की रात भी राबिया सैफी ऑफिस से बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद वो निजामुद्दीन की बाइक पर बैठी और वो वहां से चली। और तमाम फाइंडिंग्स, तमाम रिपोर्ट्स ऐसा इशारा करती हैं, मामला पूरी तरह से सब जुडिस है, लेकिन जो हमारी फाइंडिंग्स है वो इशारा करती हैं कि जो व्यक्ति मोहम्मद निजामुद्दीन है जिसके साथ राबिया सैफी का रिलेशन था, इस पर कोई गलत बात नहीं, हर किसी के रिलेशंस हो सकते हैं, राबिया सैफी का भी रिलेशन था, वहां पर मौजूद लोगों ने जो उनके साथ काम करते थे उन्होंने बताया, कई लोगों ने इस बात की जानकारी दी, वहां पर अधिकारी लोग भी जो थे उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी। तो उस रात 26 अगस्त की दरमियानी शाम ये हुआ कि राबिया सैफी मोहम्मद निजामुद्दीन के साथ बाइक पर बैठ कर गई। जाने के बाद मोहम्मद निजामुद्दीन वहां से 30-40-45 किलोमीटर दूर बाइक पर जाकर किसी तरीके की उनके बीच में कोई झड़प हुई, जिसके बाद
निजामुद्दीन ने उसको चाकू से मारा। राबिया सैफी को कई वार किए चाकू से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। लेकिन दर्शकों, किसी के भी इमोशंस के साथ खेलना भी गुनाह है। हमारी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो आज भारत एट नाइन के जरिए मैं आपके सामने रख रहा हूं विद फुल, पूरी की पूरी एम्पैथी के साथ, वो ये है कि दर्शकों, राबिया सैफी का रेप नहीं हुआ था, राबिया सैफी का रेप नहीं हुआ था, ये कुक्ड अप स्टोरी थी। दर्शकों, ऐसा उनके घर वालों ने बताया, ऐसा उनके अड़ोसी पड़ोसियों ने बताया, ऐसा जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने कहा। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई ये किसी को नहीं पता। दर्शकों, हमारी फाइंडिंग्स बताती हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, जो कि आखिरी सबूत है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहती है कि राबिया सैफी के नेक पर जख्म था, राबिया सैफी के नेक के थोड़ा सा नीचे, यहां पर उनके चाकू से, यहां पर 5 सेंटीमीटर गहरा घाव किया गया था। और उनकी मौत जो हुई है वो इस जगह पर 10 सेंटीमीटर गहरा घाव करने की वजह से हुई है। तो चाकू यहां मारा गया और आखिर में चाकू को इस तरीके से मारा गया और ये 10 सेंटीमीटर के अंदर तक घाव करके गया, जिसके चलते राबिया सैफी के यहां तक घाव दिखाया गया है, यहां तक वो चाकू यहां से यहां तक है, जिसके चलते ब्रेस्ट पर भी चोट है और यहां 10 सेंटीमीटर अंदर तक उसने घाव किया है, जिसके चलते राबिया सैफी की मौत हुई है। और एक दफा नहीं, इस चाकू को लगातार यहां इस पूरे एरियाज पे, जिस तरीके से एक सिचुएशन आपके सामने खड़ी करता हूं, एक शख्स अगर आपके सामने है और आप चाकू से यहां उस तरीके से वार करते हैं अगर उस पर्सन पर, तो उसके यहां वार होगा और जो लास्ट वार, पहले जो वार थे वो 5 सेंटीमीटर के घाव के थे और जो आखिरी वार जिसने फेटल इंजरी की है, जिसकी वजह से राबिया की मौत हुई है, वो 10 सेंटीमीटर का जो घाव था वो यहां से लेकर दर्शकों यहां तक हुआ, जिसकी वजह से ब्रेस्ट पर भी कट के निशान है। तो ये जो सिचुएशन थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है, उसी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसी को लेकर जो तमाम लोग जिन्होंने बॉडी को पहली बार देखा, जिन्होंने पहली बार शव को देखा, उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट को काटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है उसमें ऐसा नहीं है। इसके बाद बहुत से लोग परेशान थे, बहुत से लोग इमोशंस में चले गए थे, उनके सामने भी एक सच रख दूं दर्शकों, वेजिनल पॉइंट्स पे किसी भी तरह की कोई ब्रुटैलिटी कुछ भी नहीं। उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी उनके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वहां पर एम्प्टी लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। राबिया सैफी का कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मर्डर हुआ है। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मर्डर एंड वॉज नॉट अ रेप, शी वॉज नॉट गैंग रेप। और इस बात को इसलिए रखना जरूरी था क्योंकि यह मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, यह मुद्दा बहुत ज्यादा संवेदनशील है। बहुत लोग विश्वास करिए, बहुत लोग लगातार मैसेजेस के जरिए हमसे जुड़े, उन्होंने बहुत ज्यादा करुणा भरे भाव से हमसे बातचीत की। उनको आज बता दूं कि यह एक मर्डर का मसला है और यह मर्डर कोई आम मर्डर नहीं है, बहुत ब्रूटल मर्डर, और इसके पीछे मोहम्मद निजामुद्दीन ही फर्स्ट पर्सन है जिसने ये मर्डर किया है। एंड आई एम सॉरी कि इस पूरे महाअभियान के दौरान मैंने जो मेरे पास लेयर्स आती रही, मैं उसके जरिए आपको सामने, आपके सामने चीजें रखता रहा, लेकिन आज ये फाइनल एपिसोड है, आज ये एंड है। और इस महाअभियान के आखिरी पड़ाव पर मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं दर्शकों, मैं चाहता तो चीजों को वहीं का वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन दर्शकों, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है आखिरी सच को आपके सामने रखना, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि सच ये बोल रहा है या सच ये बोल रहा है। तो दर्शकों, सच ये है कि राबिया सैफी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ था, उनके साथ बेरहमी से उनकी हत्या की गई और मोहम्मद निजामुद्दीन ने यह हत्या की थी इस वजह से क्योंकि उसको लगता था
कि अब राबिया सैफी के जो संबंध है, जो क्लोजनेस है, वो मेहरा के साथ हो गई है। ये वही मेहरा है जिसको एक दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने गिरफ्तार किया है करप्शन के मामले में। और बाकी अब जो भी है वो आपके सामने है। दर्शकों, सच यही है कि राबिया सैफी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वहां पर कम से कम हजारों लोग सिविल डिफेंस में काम करते हैं। उस दफ्तर में हमने सैकड़ों से बात की, सैकड़ों ने यही बात कही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है। तमाम पुलिस आला अधिकारी, बहुत से अधिकारी और अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग जिन्होंने नाम बताने से मना किया, वो भी यही कहते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुआवजा शुरुआत में नहीं दिया गया था, कि मुआवजे को देने के तीन ऑप्शंस होते हैं। या तो वो एससी एसटी की कैटेगरी में आती हो, जो कि नहीं आती थी, वो ओबीसी की कैटेगरी में आती थी, इस वजह से स्टार्टिंग में मुआवजा नहीं दिया गया। इसके बाद दूसरा जो पहलू होता है, दूसरा जो ऑप्शन होता है, वो होता है नेचुरल कैलामिटी की वजह से डेथ होना, वो भी नहीं था। इसके बाद जो तीसरा मैटर आता है वो होता है कोरोना वॉरियर थी, इस वजह से डेथ हुई, तो उस पर मुआवजा बनता है। लेकिन दर्शकों, अनफॉर्चुनेट ये था कि राबिया सैफी उस रात पूरी ड्यूटी कर घर को निकली थी, और ऐसा दस्तावेज में लिखा हुआ है कि अगर आप ड्यूटी पर नहीं हैं तो आप कोरोना वॉरियर ड्यूटी पर नहीं हैं, तो ऐसे में मुआवजा नहीं बन रहा था। तो इन तीन वजहों से जो अधिकारी थे वो मुआवजा नहीं दे पा रहे थे। हालांकि बाद में इसको सरकार को लिखा गया, सरकार को पत्र लिखा गया, अब मुआवजा जो है वो सैंक्शन हो चुका है, ऐसा हमें जानकारी मिली है। लेकिन दर्शकों, ये पेन है और पत्रकार होने के नाते फाइनल पेन रख रहा हूं ये बात कहते हुए कि दिस वॉज अ कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मर्डर एंड वॉज नॉट अ गैंग रेप। रेस्ट इन पीस राबिया सैफी। थैंक यू।